पंजाब दे वख-वख सरकारी सेहत अदारियां विच कोविड रोकथाम लई एहतियाती डोज देण दी मुहिम अज तों शुरू हो गई है। सेहत ते परिवार भलाई महकमे दे डायरैक्टर डॉक्टर गुरविंदर वीर सिंह ने मोहाली दे जिला हस्पताल तों ए डोज देण दी मुहिम दी शुरुआत कीती। सब तों पहला 61 साल दे अमन मलिक नां दे इक व्यक्ति नूं ए डोज दित्ती गई। इस मौके डॉक्टर जी बी सिंह ने दस्या कि यह डोज पहला लईयां दोवें खुराकां वाली ही होवेगी अते इस संबंधी दिशा निर्देशों की पूरी तरह पालना की जा रही है। यह डोज दूजी खुराक लैण दे 273 दिन मगरों दिती जाएगी। लाभपात्री इस डोज लैण दे 3 महीने पहला तक कोविड पॉजिटिव नहीं होना चाहिदा। उन्होंने दस्या कि एहतियाती डोज देण लई सेहत अदारियां विच वक्रे केंद्र बनाए गए ने। इधर जलंधर के जिला हस्पताल विच हैल्थ केयर वर्कर नू टीका लगा के ए एहतियातन डोज़ नू लगाउण दी शुरुआत की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर रणजीत सिंह कोतड़ा समेत होर डॉक्टर इस मौके हाजिर सन। सरकार दी हिदायतां अनुसार जे 60 साल तो उपर वाले जिहड़े व्यक्ति है जिन्हां नू के पहली दूसरी डोज लगाया घट्टो घट 9 महीने हो चुके हैं उन्हां दा असीं वैक्सीनेशन जारी शुरू की है। उस तों अलावा साडे हैल्थ केयर वर्कर फ्रंटलाइन वर्कर्स जिदे विच के ओ स्टाफ जिहड़ा के इलैक्शन ड्यूटी दे विच जा रहा है असीं उन्हां वास्ते वैक्सीनेशन की मुहिम जिहड़ी हैगी शुरू की है। और मेरी अपने सारे पंजाब वासियों नूं इह अपील है कि वह जिन्नी जल्दी हो सके अपनी जिहड़ी प्रीकॉशनरी डोज हैगी है अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी वो जिन्नी जल्दी हो सके वह लगवा लैण तां जो असीं कोविड की बीमारी तो बचा कर सकीए।